बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ लेसन 2 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स टुडे। वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द एक्सरसाइज। द टाइटल ऑफ द यूनिट इज नसीरुद्दीन। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। व्हाट आर नसीरुद्दीन स्टोरीज फेमस फॉर? नसीरुद्दीन की कहानियां किस चीज के लिए मशहूर हैं? बेटा यू शुड लुक एट दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड यू शुड ट्राई टू कॉपी इट इन योर ओन क्रिएटिव राइटिंग। व्हाट आर नसीरुद्दीन स्टोरीज फेमस फॉर? इफ यू यू कैन सी दैट वी हैव अ प्रपोजिशन इन द एंड। ये एक मुख्तलिफ तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हम प्रपोजिशन आखिर में लेके आते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आमतौर पर फोकस उस चीज पर होता है जिसके लिए ये प्रपोजिशन यूज हुई है। तो इस सवाल में भी नसीरुद्दीन स्टोरीज आर बेस्ड ऑन द फनी सिचुएशंस ऑफ हिज लाइफ एंड दे आर फेमस फॉर ह्यूमर एंड विजडम। तो सिंपल सा आंसर है कि नसीरुद्दीन की कहानियां फनी सिचुएशंस पर बेस्ड है, मजाहिया सिचुएशन होती है, मजाहिया हालात, मजाहिया कंडीशंस पर बेस्ड है, और उनकी अपनी जिंदगी से मजाहिया तजर्बात पर बेस्ड है। ठीक है, और वो मशहूर किस वजह से हैं? इसी वजह से कि उनमें मिजाह है और कोई ना कोई अकल की बात है, विजडम, वर्ड ऑफ विजडम, दानाई की बात है। विच एनेक्डोट फ्रॉम द लेसन यू लाइक द मोस्ट, वाई? अच्छा बेटा, इसका आंसर बेहतर होगा कि आप खुद लिखो। मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर लिख दिया है, एक सैम्पल के तौर पर, बट इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी दैट यू शुड फॉलो इट एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, बल्कि आपको अपना एक लिखना चाहिए और बेहतर होगा कि इस अंदाज को देख लो, लेकिन अपना खुद जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें से स्टोरी, उसका आंसर लिखो। आई लाइक द स्टोरी ऑफ द बोरोड क्लॉक इन विच नसीरुद्दीन लेंड्स हिज क्लॉक टू हिज फ्रेंड। मुझे सबसे अच्छी कौन सी लगी? मांगे हुए जुब्बे की। क्लॉक का मैंने आपको बताया था कि जुब्बे को भी कहते हैं, जो अबाया होता है उसको भी कहते हैं, ड्रेस के ऊपर जो एक लूज गारमेंट पहना जाता है, चोगा, उसको कहते हैं। तो हमें वो स्टोरी अच्छी लगी जिसमें नसीरुद्दीन के दोस्त ने उससे जुब्बा मांगा। He was asked not to mention it and exactly this is what he tells the host. ही से मुराद है यहाँ पर नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन को उसके दोस्त ने कहा था कि तुमने जुब्बे के बारे में, चोखे के बारे में कोई बात नहीं करनी, और बिल्कुल यही उसने किया कि चोखे के बारे में ही बात की। ही क्लियरली सेज दैट ही इज नॉट सपोज टू टेल एनीथिंग अबाउट द क्लॉक, और वो वाजे तौर पे कह देते कि मैंने तो जुब्बे के बारे में कोई बात नहीं करनी, मैंने तो चोखे के बारे में कुछ नहीं कहना। द फ्रेंड इज रियली इरिटेटेड बाय नसीरुद्दीन, और जो उसका दोस्त है वो नसीरुद्दीन की हरकत से बहुत तंग होता है, इरिटेटेड होता है तंग होना। नसीरुद्दीन अपीयर्स टू बी अ नाइव सिंपल मैन इन दिस स्टोरी एंड दिस इज द रीजन आई लाइक इट। नसीरुद्दीन इसमें एक सादा सा इंसान नजर आता है, एक नाइव इंसान नजर आता है, और यही वजह है कि हमें ये मुझे ये पसंद आया। आप अपनी मर्जी का वाक्य लिखिए और उसका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और इसी तरह से बताइए कि आपको क्यों अच्छा लगा। एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ लाफ्टर इन द लास्ट स्टोरी। पॉइंट ऑफ लाफ्टर क्या होता है बेटा? कि जहां पर हंसी आए, जिस पर जिसमें मजाक हो, जिस पॉइंट पर मजाक क्रिएट हो और एकदम से हंसी आए, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लाफ्टर। इन द लास्ट स्टोरी नसीरुद्दीन वॉज लाइंग टू हिज नेबर एंड ही वॉन्टेड टू गिव हिम द डोंकी, बट ही ट्राइड टू हाइड, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिम द डोंकी। ये डिड नॉट यहाँ पर बेटा लोगों के पीछे छुप गया है, इसको लिख लीजिएगा, एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हिम द डोंकी, बट ही ट्राइड टू हाइड हिज ट्रू इंटेंशन बाय ब्लेमिंग द नेबर। आखिरी स्टोरी में नसीरुद्दीन अपने दोस्त से झूठ बोल रहा था और डिड नॉट यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो नहीं चाहता था कि वो उसको अपना गदा दे, लेकिन उसने अपनी असल नीयत छुपाने की कोशिश की और उल्टा नेबर को ही इल्जाम देने लगा। और क्या इल्जाम देने लगा? ये वाक्य भी आपके लिए हमने नीचे लिख दिया ताकि आपको याद आ जाए कि हम कौन से वाक्य की बात करें। ही रिफ्यूजेस टू गिव द डोंकी सेइंग दैट द नेबर इज नॉट ट्रस्टिंग हिम। उसने डोंकी देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसलिए डोंकी नहीं दे रहा क्योंकि तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो और एक गधे की बात का यकीन कर रहे हो। रादर ट्रस्टिंग अ डोंकी, तुम मेरी बात का यकीन तो नहीं कर रहे हो बल्कि तुम गधे की बात का यकीन कर रहे हो। तो जो शख्स मेरी बात का यकीन नहीं करता उसको मैं डोंकी नहीं दे सकता।
हैव यू एवर कम अक्रॉस अ ह्यूमरस पर्सन लाइक नसीरुद्दीन? क्या कभी आपको कोई ऐसा मजाहिया इंसान मिला है जिस तरह नसीरुद्दीन है? आई हैव मेट फ्यू पीपल एज ह्यूमरस एज वॉज नसीरुद्दीन। जी हाँ, हमें भी आम जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो नसीरुद्दीन की तरह ही मजाहिया होते हैं। कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ नसीरुद्दीन विद दैट रियल लाइफ पर्सन। अब अगर आप इसका जवाब यही दे रहे हो कि आपको भी मिला था कोई ऐसा इंसान जिस जो नसीरुद्दीन की तरह मजाक पैदा करने की हिस रखता था, तो फिर इसका आगे से उसका कंपैरिजन भी कीजिए। द मोस्ट ह्यूमरस पर्सन इन माय लाइफ वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स। सबसे मजाहिया इंसान जो मेरी जिंदगी में आए वो एक मेरी दोस्त थी। शी वाज विटी एंड हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो बहुत विटी थी। विटी का मतलब होता है हाजिर दिमाग और जहीन, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है बेटा मजाक पैदा करने की हिस, मजाक करने की हिस। और इसमें हमेशा बेटा मजाक और बदतमीजी में फर्क समझना चाहिए, मजाक और तंज में भी फर्क समझना चाहिए। मजाक वो होता है जिससे अगले की अगले को अपनी इंसल्ट फील ना हो, अगले को अपनी बेइज्जती मालूम ना हो, बल्कि वो खुद भी हंसे उस बात पे और मुस्कुराए। लेकिन तंज और बदतमीजी वो होती है जिससे अगले को अपनी बेइज्जती महसूस हो और वो उस बात पर खफा हो। वी फाइंड दैट नसीरुद्दीन हैड टोल्ड अ लाई इन द लास्ट स्टोरी। हम देखते हैं कि नसीरुद्दीन ने आखिरी स्टोरी में एक झूठ बोला। बट माई फ्रेंड नेवर टोल्ड लाइज। अब मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड का कंपेरिजन कर रही हूँ, क्योंकि सवाल में पूछा ना कि कंपेयर करें। तो आखिरी कहानी में नसीरुद्दीन ने जहां गधा देने की बात थी तो झूठ बोला कि मेरे पास तो गधा है ही नहीं, हालांकि उसके पास असल में गधा मौजूद था। तो ये एक चीज मैंने महसूस की कि माई फ्रेंड नेवर टोल्ड लाइज। अदर देन दैट जस्ट लाइक नसीरुद्दीन शी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट माइंडेड एंड शार्प। उसके अलावा नसीरुद्दीन की तरह वो भी बहुत हाजिर दिमाग, प्रेजेंट माइंडेड का मतलब होता है हाजिर दिमाग, और शार्प का मतलब होता है बहुत तेजी से बात सीखने वाले, तेजी से बात समझने वाले, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो बेटा इस सवाल के जवाब में भी आप अपनी जिंदगी में से कोई ले सकते हैं, कोई आपके आसपास कोई बहन भाई, कोई वालिद वालदा, अगर वो मजाक करने वाली शख्सियत है तो आप उनको उनका जिक्र कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि वो मेरी जिंदगी में बहुत मजाहिया इंसान थे, और उनके बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं नसीरुद्दीन के साथ। जरूरी नहीं है कि आप यही जवाब लिखें, बल्कि बेहतर होगा कि आप ये जवाब ना लिखें और अपना दिया हुआ जवाब लिखें। ठीक है, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ नसीरुद्दीन यूजिंग एविडेंसेस फ्रॉम द लेसन। नसीरुद्दीन वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड विटी, बट एट द सेम टाइम ही हैड द एबिलिटी टू प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। यहाँ पर आपको नसीरुद्दीन के कैरेक्टर के बारे में कहा गया है कि उनके बारे में लिखे, उनका किरदार कैसा था, उनकी शख्सियत कैसी थी, वो कैसे इंसान थे। तो उनके बारे में हमने ये कैरेक्टर स्केच लिखा है कि नसीरुद्दीन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत जहीन थे, विटी थे, बट एट द सेम टाइम ही हैड द एबिलिटी टू प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। और लेकिन उनमें एक खास बात जो थी, जो दो तीन मौकों पर हमें नजर आई, कि वो एकदम से मासूम बनने की सलाहियत भी रखते थे। वो ऐसे प्रिटेंड करते थे जैसे वो बहुत मासूम है। किस तरह? जैसे आपने वो सब्जी वाला वाक्या सुना होगा जिसमें वो अपने एक दोस्त के, अपने एक साथ रहने वाले के, नेबर के किचन गार्डन में से सब्जी ले रहे थे, और जब उसने पूछा तो उन्होंने आगे से ऐसे जवाब दिया जैसे वो खुद भी हैरान हो और खुद भी बहुत मासूमियत से जवाब दिया। यहाँ पर उसकी मिसाल दी गई है कि वो किस तरह मासूम बन के प्रिटेंड करते हैं। For example, in story number 9, he was stealing vegetables from someone's kitchen garden, but he tried to mitigate the situation by using humor. कि असल में तो वो वहां से सब्जियां चुरा रहे थे और बोरी में डाल रहे थे, लेकिन जब उनके नेबर ने पूछा कि ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हवा से उड़ के यहाँ आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप हवा से उड़ के आ गए तो ये सब्जियां यहाँ पर क्या कर, बोरी में क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इसी बात पर तो मैं भी हैरान हूँ कि ये बोरी में कैसे डल गई हैं। तो उन्होंने उस सिचुएशन को मिटिगेट किया। मिटिगेट क्या होता है बेटा? उसकी शिद्दत को कम किया, उसको उसकी सख्ती को कम किया। ठीक है, बाय यूजिंग ह्यूमर, मजाक को इस्तेमाल करते हुए। ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू, एज ही क्लियरली टोल्ड हिज डॉटर्स दैट ही कैन नॉट प्रे फॉर बोथ ऑफ देम। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहुत सीधी सीधी बात करते थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है ये ना हो कि दिल में कुछ और बात हो और मुंह पर कुछ और बात की जाए, बल्कि जो बात दिल में हो वही मुंह पे कही जाए।
तो इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को साफ तौर पर बता दिया कि मैं तुम दोनों के लिए तो दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम में से एक कह रही है कि अल्लाह करे बारिश हो और दूसरी कह रही है कि अल्लाह करे बारिश ना हो, तो मैं एक वक्त में एक के लिए ही दुआ कर सकता हूँ। बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपी में अच्छे से लिखने हैं, इनको समझना है और याद करने की कोशिश करनी है। बेटा अब आखिर में एक टिप आपके लिए, जहां पर लिखने का मौका आए वहां पर लिखने की कोशिश जरूर किया करें। अगर आपको क्वेश्चन में खुद से वाक्या लिखने का कहा गया है, कोशिश करें कि खुद लिख लें। अगर आपसे कुछ गलतियां भी होंगी, और जाहिर है कि हर लिखने वाले से गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों की इसलाह कर दी जाएगी, और वो जब इसलाह हो जाती है तो आप बहुत सारी नई बातें सीखते हो। इसलिए कभी भी इस बात से डरो नहीं कि मैंने खुद से लिखना, मैंने खुद से लिखा तो पता नहीं मैं बुरा लिखूंगी या लिखूंगा और मेरा अच्छा नहीं होगा और फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान आप बहुत कुछ सीख लोगे। कहते हैं ना कि इफ यू लर्न बाय मेकिंग अ मिस्टेक इट इज एक्चुअली नॉट अ मिस्टेक, ठीक है कि आपने उससे कुछ सीखा।